सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू ब्लॉग। और मौसम देखो यार कितना बढ़िया, कल तो धूप ही नहीं, एक ठोप धूप नहीं निकला, बट आज धूप जो निकला है बहुत बढ़िया, मौसम बहुत बढ़िया किया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन मौसम किया हुआ है। ऐसा ही मौसम चाहते हम शादी के दिन, तीन चार दिन रहता है शादी का जो भी विधि व्यवहार, तीन चार दिन बढ़िया मौसम करे एकदम फुल मस्ती जाएगा। सो हवा ज़्यादा चल रहा है। सो अभी नहाया हूँ, 11 बज रहा है तो अभी स्नान किया हूँ, तो छत पे आया हूँ धूप सेकने के लिए। नहाने के बाद लगता है कि ठंड, सुबह सुबह तो नहा नहीं पाता हूँ, ये ठंड लग रहा है, इसीलिए लेट से नहाता हूँ। और आज का काम है, आज कार्ड जो भी बन चुका होगा, कार्ड वाले का नंबर गलती से नहीं ले पाया, कार्ड बन गया है तो कार्ड को पिक करना है पूरा बंडल को, और देखना है कि क्या मिस्टेक। कार्ड में बोला था कि एक दिन आएगा, पहले मिस्टेक देख लीजिएगा कि जो भी प्रिंटिंग में गलती सलती जो भी होगा उसको एक बार देख लेते तो करेक्शन हो जाता है। अब करेक्शन देखने गया भी नहीं, अब जो भी बना होगा देखेंगे आज कैसा बना है। और आज बहुत सारा काम है, अभी तो इस महीने से लेके अगला महीना जब तक शादी मतलब हो जाता नहीं है तब तक सिर्फ शादी का ही एपिसोड चलता रहेगा। शादी का ये चीज़ लेना है, शादी का वो चीज़ लेना है, मतलब शादी का ही काम होगा सिर्फ। कल पूरा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ गैजेट जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना था मार्केटिंग सारा हो गया पापा के साथ, तो पापा के साथ जाने में वीडियो ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, बोलते हैं क्या कर रहा है इसीलिए वीडियो ज़्यादा नहीं कर पाया। और अभी खाना वाना खाया हूँ, अभी तो हर जगह हर फैमिली में सिर्फ शादी है, आज फिर शादी में कहीं जाना है, कल भी गया था तो आज भी जाना है सब जगह। और ये हम लोग का जो भी इसमें शादी का जो भी जयमाला होगा उसके लिए ये सब साफ़ करवाना है, अभी दलदल सूख चुका है पूरी तरह से, अब जेसीबी आएगा और दलदल पूरा एक लेवलिंग कर देगा तो अच्छा हो जाएगा। और हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हमारे परिवार में बहुत लोग हैं जो सरकारी जॉब करते हैं तो उनको छुट्टी बहुत कम ही मिलते हैं, तो उनको आगे कार्ड देना होगा जल्दी से, क्योंकि अगर उनको कार्ड नहीं जल्दी मिलेगा तो वो छुट्टी नहीं लगा पाएंगे। तो हमारे मेरे पापा हुए, मेरे पापा को भी छुट्टी नहीं मिलेगा, हमारे फूफा जी हुए, हमारे जीजा जी हुए, हमारे दोनों जीजा जी हुए, उनको भी छुट्टी चाहिए, सब लोग मतलब कार्ड के स्थित खड़े हैं, तो सबको कार्ड देना होगा आगे कि भाई आप लोग छुट्टी लगा लीजिए, क्योंकि वो लोग छुट्टी नहीं लगा पाएंगे तो कैसे तिलक में 7 तारीख को आ पाएंगे। अभी सभी लोग को इनविटेशन देना बाकी है, फ़ोन पे जो इनविटेशन दिया जाता है वो भी बाकी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, रात को आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, फिर सुबह में कहीं निकल जा रहे हैं कुछ काम के लिए। अभी जो हम लोग डेकोरेशन के लिए जिसके यहाँ बुक किए थे उसका कुछ और ही मामला आ रहा है, वो बताने लायक नहीं है, तो अभी उसको मैनेज करना है। बहुत सारा काम जो बोलते हैं ना, शादी जिसके घर में होता है लड़की का, उसको पता चलता है कि क्या क्या मतलब अरेंजमेंट करना पड़ता है। अगर अकेला आदमी रहे तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, तो पापा के साथ हम अभी सब मिलकर कर रहे हैं, तो थोड़ा पापा को हेडक नहीं लेना पड़ रहा है, दादाजी भी साथ दे रहे हैं, दादाजी को भी कुछ काम मिला हुआ है, बाबा संभाल रहे हैं, तो ऐसे काम बढ़ जाता है तो अच्छा रहता है, नहीं तो एक आदमी पे सारा लोड आ जाए तो फिर तो गड़बड़ है। तो अभी चलते हैं कार्ड लाने, और जीजा जी को भी पिक करना है दानापुर से, तो उनको भी पिक कर लेंगे और उस साइड से ही कार्ड लेते हुए घर पर आएंगे, उसके बाद फिर जो आगे का होगा। आज जाना भी है, कहीं तिलक में जाना है, तो फ़ोन आया था पापा को, इनविटेशन है, मम्मी पापा दोनों आज जाएंगे, देखते हैं, और साथ में हम भी जाएं तो ठीक है, चलते हैं, लेट्स गो। तो जी निकल रहे हैं आप, ओह जय हनुमान, निकल पड़े हैं। ये हम लोग का नदी है इस साइड में, ये रोड है, रोड के साइड में नदी है। आवाज़ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा साउंड, क्योंकि माइक नहीं लगाया हूँ, सिर्फ गोप्रो के ही माइक से काम कर रहा हूँ। और ये हम लोग का बड़ा सा नदी है जो गंगा में मिल जाती है, ये रोड सीधा जीजू के घर जाएगा, और नदी हम लोग के साथ साथ चल रही है, नदी भी रोड, रोड के बगल में ही हम लोग का घर इस साइड है, और रोड है बीच में, और नदी है इस साइड में, ये
15-20 किलोमीटर तक साथ साथ चलते रहेगी, रोड और नदी साथ साथ। बीच में घर हो गया, नदी दूर चली गई, फिर जाके मिल जाएगी नदी। अभी हवा ज़्यादा तेज चल रहा है तो बोले बात करने में नहीं बन रहा है, तो आगे चलते हैं फिर नदी को दिखाएंगे। और ये धान की खेती पूरी हो गई है, तो कट चुकी है धान। देखो धान कट के आ रहा है सारा, हमारा भी धान कट के आएगा। और शादी भी है, शादी के समय ही धान कटेगा, और धान कटने में बहुत ज़्यादा ही लंबा चौड़ा दिन जाता है, क्योंकि हार्वेस्टर आता है, हार्वेस्टर से कटता है। और हम लोग के यहाँ थोड़ा ज़्यादा हैवी धान का खेती होता है तो टाइम लगता है। देखो यहाँ पे धान पूरा कट रहा है, देखो धान कट रहा है, दूर दूर तक धान कट रहा है। सो गाइज, नदी का तो डायरेक्शन चेंज हो गया, नदी उस साइड जा रही है, अब हमको शहर की ओर जाना है। तो ये रोड अब नदी के साथ साथ उस साइड चली जाएगी, तो हमें आगे से कट लेना है, नीचे उतर के अब शहर की ओर जाना है। तो ये रहा, ये सब गांव का रोड था और सुनसान रोड है, आराम से एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा, एकदम पेड़ पौधा के बीच से निकलते बनते हैं लोग। और ये चला जाएगा नदी के साइड से ही, ये शहर की ओर चला जाएगा, आगे जाके रोड अच्छी बेहतरीन मिलेगी। और ये थोड़ा सा गड़बड़ रोड है, यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ रोड है, और आगे हमें दानापुर जाना है, तो दानापुर निकल जाएंगे। तो हम लोग दानापुर के रोड में आ चुके हैं, मेन सिटी में। अब यहाँ से 4-5-10 मिनट का रास्ता है, और यहाँ बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेस में लोग गाड़ी चलाता है, तो हम थोड़ा साइड में ही रहते हैं, बेहतर होगा। मेरा रेंज भी 50 तक ही है, 50 से ऊपर नहीं जा रहा हूँ। ये दानापुर स्टेशन रहा, और इस साइड में उनका घर है जीजू का, तो आगे से ही राइट लेना है, और यहाँ से राइट मेरे को लेना है। यहाँ से राइट लेना है, राइट ले लिया। दानापुर कैंट है, सगुना मोड़ है, सचिवालय है, तो हमें दानापुर कैंट नहीं जाना है, सगुना मोड़ भी नहीं जाना, उससे पहले ही रहना है। और ये सीएनजी बस है, ये दानापुर डीआरएम ऑफिस है, यहाँ पे सारे रेलवे के बड़े बड़े स्टाफ रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, ऑफिसर रहते हैं यहाँ डीआरएम ऑफिस में। कार्ड वाले के पास आ गए, आप कार्ड चेक करते हैं, आज को देंगे नहीं, आपको बोले थे ना कि प्रूफ चेक करना पड़ता है, प्रूफ चेक करने आए ना, तो समझो यही कार्ड है। तो गाड़ी पूछ ले लीजिए आप, बंगाली से देखल हवा जहाँ दे पूछ के आवा, खाली कौन बड़ी दूर है, कार्ड दे देते हैं, दिखा देते हैं, इसमें नहीं है ये प्रूफ ना, ये प्रूफ के लिए निकाला रहता है, इसका सेट निकाला रहता है। आज कार्ड देगा नहीं, परसों कार्ड देगा, आज करेक्शन हुआ है, बहुत नाम गलत लिखे हुए थे, बहुत नहीं, 2-4 नाम गलत लिखे हुए थे, परसों आएंगे, परसों लेके जाएंगे। अरे कुछ काम और जो भी छोटा मोटा वो कर लेते हैं, आज पापा लोग को कार्ड नहीं मिल पाएगा, बड़े पापा जो आए हुए थे हमारे चाचा जी, उनको कार्ड नहीं मिल पाएगा, बोले मैं आपको व्हाट्सएप कर देंगे कार्ड, वहीं आप ऑफिसर को दिखा दीजिएगा। और अब टाइम हो रहा है 8:41, बाबा शादी कार्ड के पास से कार्ड बनवाएं, बाबा का ढाबा, चलते हैं घर, अब कोई काम नहीं है। मेरा फेवरेट जगह लिट्टी वाला वो रहा, बट वहाँ खा ही नहीं रहा, तो डाब पीते हैं, डाब पानी, ठंडा में डाब पानी पियेंगे। ओए 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 पानी,